हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है पुष्पेंदु और आप देख रहे हो पेंटेक। सो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही सिंपल और काम का होने वाला है और इसे 100% सभी को पसंद भी आएगा और इससे कोई भी बना भी सकता है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, लगभग हमारे सभी के घरों में इस तरह का खराब एलईडी पड़ा रहता है, तो आज हम इसको रिपेयर नहीं करने वाले और ना इसका एलईडी ड्राइव और एलईडी पैनल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाले हैं। उससे भी चीप और सिंपल तरीके से इसको ग्लो करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जरा पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर इस एलईडी पैनल को यूज़ करने वाले हैं और दोस्तों, ये ओरिजिनल एलईडी पैनल के जितना ही रोशनी देता है और सबसे अच्छी बात, इसको चलने में कोई भी ड्राइव का जरूरत नहीं पड़ता है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ऑफलाइन मार्केट में ये 10 रुपये के आसपास में मिल जाता है। साथ में इसका ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर इसका दाम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए पहले लैम्प को खोल लेते हैं और अंदर की चीज़ों को निकाल देते हैं। अब इसे भी खोलना पड़ेगा वायर को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये आशा नहीं है तो आप इसको सोल्डरिंग की मदद से हीट करके भी खोल सकते हो। तो चलिए आप इस दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो इस दोनों वायर को यहाँ पर कितने आसानी से जोड़ लिया। आप चलिए इस पुराने पैनल को फेंक देते हैं और नया पैनल को लगा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप लोगों को तो सभी को पता होगा, इस एलईडी पैनल और इसके बीच में हीट सिंक स्पेस रहता है जो व्हाइट कलर में होता है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई हीट सिंक स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके जगह पर कोई भी टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत हद तक हीट सिंक स्पेस जितना ही काम करेगा और अच्छे से हीट को ट्रांसफर कर देगा, उससे एलईडी का लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलिए आप एलईडी पैनल को इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप चाहो तो इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर सकते हो, मैं तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हो गया, तो चलिए आप इसको वायर के साथ सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो पेंटेक को जरूर फॉलो करना और पर भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का फोटो, वीडियो और मेरा पर्सनल फोटो भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो जरूर जाइए और फॉलो कीजिए। और दोस्तों, इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है, देख सकते हो यहाँ पर एन और एल लिखा है, तो सिंपली दोनों वायर को इस दोनों पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। हो गया, तो चलिए अब इसके ऊपर अच्छी तरह से दबा कर बैठा देते हैं। अब मैं इसके ऊपर का कैप को भी लगा दूंगा। तो दोस्तों, अब ये लैम्प पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया, तो चलिए अब इसको जलाकर दिखा देते हैं। तो ये लैम्प होल्डर डायरेक्ट बोर्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लैम्प को लगा दूंगा। सो फ्रेंड, देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से, कितना ब्राइटनेस के साथ ये ग्लो कर रहा है। आपको लग रहा होगा बिलिंग कर रहा है, लेकिन ये बिलिंग नहीं कर रहा है, कैमरा ज़्यादा नज़दीक है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो चलिए एक बार कैमरे से दूर ले जाकर दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो इसको कैमरा से दूर ले जाती है, दूसरी लाइट की तरह स्मूथली और स्टेबल जल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तक आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।